हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएम क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में स्ट्रेट बीम कैलिब्रेशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने यूटी का जो हमारा मशीन है वो मशीन कैसे वर्क करता है, उसका कैलिब्रेशन वगैरह सब कैसे होता है, उसके अलावा उसमें कनेक्टर कैसे होते हैं वो सब मिला के मैंने एक वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो आप पहले जरूर देखिए और इसके बाद ये वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूटी का मशीन है वो कैसे वर्क करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको पीआर प्रोब, जो कि ड्यूअल क्रिस्टल प्रोब भी बोला जाता है, तो उसको लेके कैलिब्रेशन हमको मशीन कैसे करना है वो दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और उसका भी कैसे उसमें टीआर प्रोब यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यूटी मशीन है उसमें डिस्प्ले कैसे वर्क करता है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कैलिब्रेशन करने का सीखेंगे। तो देखिए, यूटी स्ट्रेट बीम कैलिब्रेशन आज हम देखने वाले हैं। तो स्ट्रेट बीम जो है उसमें दो टाइप के प्रोब है। सबसे पहला जो है वो नॉर्मल प्रोब या सिंगल पिस्टल प्रोब बोला जाता है, और दूसरा जो है वो हमारा पीआर प्रोब है जिसको ड्यूअल क्रिस्टल प्रोब भी बोला जाता है। नॉर्मल प्रोब है उसको आप सिंगल पिस्टल प्रोब भी बोल सकते हैं, सिंगल क्रिस्टल प्रोब, ठीक है। तो ये दोनों प्रोब में आज हम जो यूज करेंगे वो पीआर प्रोब यूज करके मैं आपको कैलिब्रेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा मशीन जो रहता है उसका डिस्प्ले कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये हमारा मशीन है, मशीन का डिस्प्ले सपोज ऐसा है। तो इसमें यहाँ पे ये आपका डिस्प्ले है जिसमें ओरिजेंटल लाइन जो है उस पर आपका टाइम दिखाता है, या फिर उसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और वर्टिकल लाइन जो है वो आपका एम्पलीट्यूड दिखाता है, बराबर। और ये आपका जो डिस्प्ले है इसको ए स्कैन डिस्प्ले बोलते हैं। तो ए स्कैन, बी स्कैन और सी स्कैन डिस्प्ले के बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो ये डिस्प्ले है कैसे वर्क करता है उसमें मैं बताया हुआ है। तो इसमें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ए स्कैन डिस्प्ले है कैसे वर्क करेगा, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक आपका एक्स एक्सिस है वहाँ पे टाइम दिखाएगा जिसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और वर्टिकल लाइन आपका है उधर आपको जो पीक है आपका इको है उसका एम्पलीट्यूड दिखाएगा। तो इस तरह से आपको डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा, इसको ए स्कैन डिस्प्ले ऐसा भी बोलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं, कैलिब्रेशन देखने वाले हैं, पर उससे पहले हम जो हमारा कैलिब्रेशन ब्लॉक है वो देख लेते हैं। तो दो टाइप का कैलिब्रेशन ब्लॉक रहता है, उसमें सबसे पहला कैलिब्रेशन ब्लॉक जो आपका है वो दो टाइप का कैलिब्रेशन ब्लॉक रहेगा। सबसे पहला जो ब्लॉक है वो IIW V1 ब्लॉक है, और दूसरा जो है वो IIW V2 ब्लॉक है। तो कैलिब्रेशन ब्लॉक का यूज क्या होता है, हमको मशीन कैलिब्रेशन करना है तो उस टाइम पे कैलिब्रेशन ब्लॉक का यूज करके हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो IIW V1 और IIW V2 ऐसा दो टाइप का ब्लॉक रहता है उसमें। IIW का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग, बराबर। तो ये स्टैंडर्ड ब्लॉक है, आप कहीं भी इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो इसका जो डायमेंशन ये दोनों ब्लॉक का रहता है वो सेम रहता है। तो डायमेंशन की मैं बात करूँ तो IIW V1 ब्लॉक है उसका थिकनेस जो रहता है वो 25 mm रहता है, मतलब कि 1 inch, और IIW V2 जो ब्लॉक है उसका थिकनेस है आपका 12.5 mm रहता है, 12.5 mm मतलब ये आपका 1.5 इंच का
ब्लॉक है और ये 1 इंच का ब्लॉक है। IIW V1 है वो 1 इंच का और V2 है वो सॉरी 0.5 इंच रहेगा, बराबर। तो V2 ब्लॉक है आपका 0.5 इंच का और V1 है वो 1 इंच का आपका ब्लॉक रहेगा। अभी हम जो यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं वो V2 ब्लॉक का यूज करके हम कैलिब्रेशन करने वाले हैं। तो V2 ब्लॉक है उसका डायमेंशन आपको याद रखना है, इसका थिकनेस जो है वो 12.5 mm है। अभी यहाँ पे सपोज आपका मशीन है तो इसमें कैसे आपको इको दिखेंगे वो आपको बता देता हूँ, बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सपोज ये आपका मशीन का डिस्प्ले है, ए स्कैन मशीन का डिस्प्ले है, तो उसमें यहाँ पे रेंज कैलिब्रेशन रहता है। तो रेंज जो आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपका पिक मिलेगा आपको, जैसे कि ये आपका जॉब है जिसका आपको यूटी करना है, बराबर। अभी के लिए ये मैं V2 ब्लॉक ले लेता हूँ, तो V2 ब्लॉक का थिकनेस जो आपका है वो 12.5 mm है, ठीक है। 12.5 mm जो आपका V2 ब्लॉक है उसका थिकनेस है ये। तो सपोज आप यहाँ पे प्रोब रखते हैं तो क्या होगा, आप प्रोब यहाँ पे रखेंगे और ये जो प्रोब है आपका TR प्रोब है, बराबर। जैसे मैंने आगे बताया कि ये स्ट्रेट बीम TR प्रोब है, तो इसमें जो वेव आएगा वो यहाँ से ऐसे नीचे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है उसने कवर किया वो 12.5 mm का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो जो आप ब्लॉक यूज करते हैं वो 12.5 mm का है, इसके लिए ये जो डिस्टेंस कवर करेगा आपका वेव वो 12.5 mm का डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज आपने ये मशीन में 0 to 50 mm का रेंज रखा है, ठीक है। ये जो आपका डिस्प्ले है वो mm यूनिट में है, सपोज ये इंच में भी हो सकता है, mm में भी हो सकता है। तो सपोज ये mm में है और 50 mm का आपने रेंज लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है 12.5 mm कवर किया, तो यहाँ पे एक इको आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो इको है यहाँ पे 12.5 जहाँ पे रहेगा वहां पे आपको ये इको मिलेगा। दूसरी बात, दूसरा जो इको मिलेगा इसमें क्या है कि वेव आपका जो है वो कंटिन्यूस वेव है, बराबर। और ये आगे चला जाएगा, मतलब एक बार गया फिर दूसरी बार जाएगा फिर दूसरी तीसरी बार जाएगा, ठीक है। तो पहली बार इसने 12.5 mm डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद फिर से जाएगा, तो फिर से जाएगा तो 12.5 प्लस फिर से 12.5, मतलब कि दो बार 12.5 mm वो कवर करेगा। तो दूसरा जो इको मिलेगा वो 12.5 प्लस 12.5 मतलब कि 25 mm के 25 mm पे आपको दूसरा इको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा इको मिलेगा जो 25 mm पे रहेगा, उसके बाद फिर से ये वेव नीचे जाके आएगा तो आपको तीसरा इको मिलेगा जो कि यहाँ पे रहेगा जो कि 37.5 पे रहेगा। उसके बाद चौथा इको मिलेगा जो आपका 50 mm पे, मतलब यहाँ पे सपोज ये 50 mm है आपका, तो चौथा इको आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आपको चार इको मिलेगा अगर आपने 50 mm का रेंज लिया है। अभी आपने सपोज 100 mm का रेंज लिया है तो क्या होगा, आपका जो इको रहेगा वो कितना होगा, 8 इको आपको मिलेगा। वैसे ही आपने 150 mm का रेंज लिया तो आपको 12 इको मिलेंगे, बराबर। तो इस तरह से आप जितना भी रेंज ज्यादा लेते हैं उतना इको आपको मिलेगा, पर कैलिब्रेशन के लिए ऑलमोस्ट देखे तो 50 mm का रेंज है वो इनफ है। अगर आपने V2 ब्लॉक यूज किया है तो 50 mm का रेंज लेके आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अभी ये मैंने बताया वो V2 ब्लॉक का बताया, वैसे ही अगर आपने V1 ब्लॉक का यूज किया है, बराबर, तो ये जो थिकनेस है आपका ये 12.5 की जगह आपका 25 mm थिकनेस रहेगा। तो इसका जो डिस्प्ले होगा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए अगर V1 ब्लॉक का आप यूज करते हो तो आपने सपोज यहाँ पे 0 to 100 mm का रेंज लिया है, ठीक है। तो पहला इको जो आपको मिलेगा वो 25 mm पे मिलेगा, तो यहाँ पे पहला इको मिलेगा जो 25 mm पे होगा। दूसरा इको मिलेगा वो यहाँ पे 50 mm पे मिलेगा, तीसरा इको 75 और चौथा जो है वो 100 पे मिलेगा आपको।
अभी ये मैंने बता दिया कि ऐसे 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 आपको इको दिखते हैं, पर मशीन में आप देखने बैठो तो एग्जैक्टली आपको सेम लोकेशन पे इको मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको इको जो है वो सेट करने हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा हो सकता है कि ये पहला वाला इको है आपका, सपोज V2 ब्लॉक है तो पहला 12.5 पे दिखना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 12.5 mm पे ही वो दिखे। तो आपको लेफ्ट या राइट घुमाना पड़ेगा, मशीन जो है उसका डिस्प्ले लेफ्ट या राइट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मेनू में एक जीरो करके ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे करके लेफ्ट राइट स्क्रीन मूव करके आपको पहला इको 12.5 mm पे सेट करना है। उसके ऊपर सेट करोगे तो बाकी के जो भी इको है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो ये जो चीज है इसको मशीन कैलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये रेंज कैलिब्रेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको V1 और V2 ब्लॉक जो है उसका कैलिब्रेशन करना है। उसके अलावा अभी यहाँ पे एक गेट करके ऑप्शन आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। GATE गेट। अगर आप डिजिटल अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर यूज करते हैं, जो अभी के जो भी मशीन है ऑलमोस्ट डिजिटल मशीन ही होते हैं, तो उसमें गेट करके ऑप्शन आता है। तो गेट जो है वो आप कोई भी इको के ऊपर ले जाओगे ऐसे, तो जहाँ पे भी ये इको आया है उसका लोकेशन जो है, मतलब कि उसका साउंड पाथ है, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, जैसे मैंने बताया ये हमारा ए स्कैन डिस्प्ले है, तो ए स्कैन डिस्प्ले में ओरिजिनल लाइन पे डिस्टेंस दिखाता है। तो ये जो डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे ये पहला इको है 12.5 पे है, उसके ऊपर ऐसे आप गेट ले जाते हो तो यहाँ पे डेप्थ जो है इसका 12.5 mm दिखा देगा ऊपर। ठीक है, तो वैसे ही आप ये दूसरे इको पे ले जाओगे तो डेफ जो है वो 25 mm आपको दिखाएगा, तीसरे पे ले जाओगे तो 37.5, और चौथे वाले पे ले जाओगे तो डेफ जो है वो 50 mm आपको दिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे V1 ब्लॉक में तो 25 ऐसे आपको यहाँ पे इको के ऊपर गेट ले जाना है, तो यहाँ पे डेफ जो है आपका 25 mm दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि एक्चुअल आपका जो इको है वो 12.5 या 25 से ही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हम पूरा कैलिब्रेशन चेक करते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी प्रैक्टिकली स्क्रीन पे ले जाता हूँ, और वहाँ पे हम यूटी मशीन का यूज करके और V2 ब्लॉक का यूज करके कैलिब्रेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पास अभी ये आइंस्टाइन 2TFT वाला मोडसोनिक कंपनी का मशीन है, जिसका मैंने अलग से पहले एक वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन। तो अभी ये मशीन मैं ऑन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर और मॉडल वगैरह सब दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अभी मैं आपको कैलिब्रेशन करके इसमें दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास ये केबल है, ये जो केबल है हमारा, ये आप देख सकते हैं ये BNC2 मिनी लेमो वाला केबल है, BNC2 मिनी लेमो कनेक्टर है, और ये TR केबल है, बराबर जो दो केबल साथ में है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा प्रोब है, तो प्रोब का मैं बता दूँ ये हमारा मोडसोनिक का ही प्रोब है। प्रोब जो है इसमें आपको क्या देखना है, ये देखिए यहाँ पे डायामीटर लिखा है, तो 10 mm डाया का प्रोब है। उसके अलावा 4 MHz लिखा है, तो 4 MHz का इसका फ्रीक्वेंसी है। तो क्रिस्टल का डायामीटर 10 mm और फ्रीक्वेंसी 4 MHz है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोब का एक सीरियल नंबर भी यहाँ पे एक हार्ड पंच किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको जब भी आप यूटी का रिपोर्ट बनाते हैं तो इसमें आपको मेंशन करना रहता है। इसके अलावा ये यहाँ पे देखिए ये कनेक्टर के लिए यहाँ पे दो नॉट दिए हुए हैं। ये जो है यहाँ पे आपका ये मिनी लेमो वाला जो कनेक्टर है यहाँ पे कनेक्ट होगा, और ये केबल का दूसरा जो एंड है आपका, ये आपको यहाँ पे मशीन जो है उसके ऊपर यहाँ पे TX और RX वाला ये नॉट है, यहाँ पे आपको ये कनेक्ट करना होगा।
ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा प्रोब जो है वो कनेक्ट हो गया है। अभी ये हमारा प्रोब ऐसे कनेक्ट हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पे डिस्प्ले जो है आपका, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका V2 ब्लॉक है, बराबर। तो V2 ब्लॉक है, इसका थिकनेस जो है ये हमारा थिकनेस 12.5 mm रहेगा। अभी हम इसका कैलिब्रेशन इसमें कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेनू में देखिए, तो पहला ऑप्शन है ज़ीरो करके है, बराबर। ज़ीरो से आप जो है वो स्क्रीन लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे बताया। रेंज जो है हमारा, हम 50 mm रेंज लेने वाले हैं। तो ये फंक्शन के लिए ये दोनों स्विच रहता है, ज़ीरो के लिए ये दोनों स्विच है। तो मशीन है आपका ATM मशीन की तरह ही काम करता है। और यहाँ पे रेंज जो है हम 50 mm सिलेक्ट करेंगे। वेलोसिटी जो है वो लॉन्जिटुडिनल वेव का वेलोसिटी 5920 मीटर पर सेकंड रहता है। वेलोसिटी के बाजू में देखिए मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा वेलोसिटी का यूनिट है। तो यहाँ पे सपोज आप ये स्ट्रेट बीम की जगह आप एंगल बीम का यूज़ करते हैं, तो 3250 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी लेना रहता है। अभी के लिए हम 5920 मीटर पर सेकंड लेंगे। डिले जो ऑप्शन है उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो डिले कैसे यूज़ करना है, अभी के लिए हम ज़ीरो रखते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है ये गेन वाला, ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। तो अगर आपका इको का साइज आपको कम या ज़्यादा करना है, तो ये dB जो है आपको बढ़ाना या कम करना रहेगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए दूसरा एक चीज़ आपको इसमें ये चेक करना है, ये आगे मैं यहाँ से मेनू चेंज करता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर का जो मेनू है इसमें एंगल जो आपका है, ठीक है, तो स्ट्रेट बीम जो है उसमें एंगल हमेशा ज़ीरो रखना है आपको। अगर आप एंगल बीम यूज़ करते हो तो उसमें जैसे ही 45, 60, 70 जो भी आप प्रोब यूज़ करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे एंगल आपको रखना है, और एंगल जो है उसका यूनिट डिग्री में रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थिकनेस भी लिखा हुआ है। वैसे थिकनेस का स्ट्रेट बीम अगर आप यूज़ करते हो तो थिकनेस का ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर आप एंगल बीम यूज़ करते हो तो जॉब का जो भी थिकनेस है वही सेम आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पहला मेनू ही कर देता हूँ, और गेट का भी मैं पहले बता देता हूँ। देखिए 2 नंबर का जो मेनू है उसमें गेट वाला ऑप्शन है, उसमें गेट 1 लिखा हुआ है। ये जो आपका लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका गेट है। और गेट जो रहता है आपका, ये ओरिजेंटल लाइन है, उसको लेफ्ट राइट घुमाने के लिए या अप डाउन करने के लिए या फिर उसका साइज कम या ज़्यादा करने के लिए 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहला स्टार्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट से क्या होता है, आपका गेट जो है वो लेफ्ट या राइट मूव होता है। देखिएगा ये गेट है, मैं ये राइट साइड में घुमाता हूँ, देखिए ये राइट साइड में जा रहा है, देखिए, ठीक है। वैसे ही एंड जो है उससे आपका गेट है उसका साइज कम या ज़्यादा होगा, देखिए कि इसका साइज कम हो रहा है, देखिए एंड से, ठीक है, ये आपका साइज कम हो रहा है। इसमें आपको जो भी फंक्शन है मशीन में वो फास्ट परफॉर्म करने हो तो उसके लिए ये हॉट की है, इसको हॉट की बोला जाता है, ठीक है। तो सपोज़ ये मेरा गेट है, ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका साइज़ कम हो रहा है। अगर मुझे ये फास्ट परफॉर्म करना है तो देखिए मैं इसको प्रेस करके फिर करता हूँ, देखिए ये जल्दी जल्दी इसका साइज़ कम हो रहा है, वैसे ही ये फास्ट परफॉर्म कर रहा है, देखिए साइज़ बढ़ रहा है जल्दी, ठीक है। तो हॉट की का यूज़ करके आप कोई भी फंक्शन है उसको ज़्यादा फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ये लेवल है, लेवल से आप जो गेट है उसको अप या डाउन कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये लेवल है उसका अप हो रहा है, देखिए, ठीक है, वैसे ही डाउन करने के लिए ऐसे। तो आपको अगर इसमें फास्ट परफॉर्म करना है कि जल्दी ऊपर ले जाना है तो हॉट की का यूज़ करो आप, हॉट की का यूज़ करके देखिएगा ये
जल्दी ऊपर जा रहा है, वैसे ये डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका गेट है, आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी इको रहेगा उसके ऊपर आपको ये गेट ले जाना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप SP, SD, D जो भी है ये आपको मेजरमेंट जो है आपको दिखाएगा। अभी मैं आपको ये जो हमारा V2 ब्लॉक है उसका यूज़ करके कैलिब्रेशन दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, ये मैं वाटर एज अ कपलांट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कपलांट पहले लगा देता हूँ। ठीक है, और एज अ कपलांट आप ग्रीस, ऑयल, सेल्यूलोस पेस्ट वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं प्रोब जो है ये ब्लॉक पे रखता हूँ। देखिएगा, तो देखिए मुझे यहाँ पे इको मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए मुझे 1, 2 और 3 इको मिल रहा है। ठीक है, 50 की रेंज में हमको 4 इको मिलने चाहिए, बराबर जैसे हमने आगे देखा, और यहाँ पे मुझे 3 इको मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनिशियल इको जो रहता है वो इनिशियल इको देखना है, उसके बाद मुझे 4 इको दिखने चाहिए। तो मुझे इनिशियल इको जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे रहता है, तो इनिशियल इको देखने के लिए मुझे स्क्रीन जो है वो राइट साइड घुमाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन मुझे राइट साइड सपोज लेना है, उसके लिए मुझे 0 का यूज़ करना है। तो राइट साइड का स्विच देखिए मैं प्रेस करता हूँ, और फास्ट परफॉर्म करने के लिए मैं हॉट की का यूज़ करता हूँ, और राइट साइड पे स्क्रीन ले जाता हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पे ये मेरा इनिशियल इको है। ठीक है, तो इनिशियल इको जो है वो कैसे आपको पता चलेगा कि इनिशियल इको क्या है, कौन सा इनिशियल इको है? तो आप प्रोब यहाँ से हटा लेंगे तो भी आपको जो इको मिलता है ये आपका इनिशियल इको है। ठीक है, और बाकी का कोई इको आपको नहीं मिलेगा, खाली इनिशियल इको ही आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे आप ये प्रोब लगाते हो तो जो इको मिलता है वो आपका एक्चुअल इको है, ये हमारा एक्चुअल इको है। ठीक है, तो ऐसा हमको टोटल 4 इको चाहिए, बराबर ना? तो इनिशियल इको के बाद वाला जो इको है वो हमारा पहला इको है, और पहला इको जो है वो हमको यहाँ पे 12.5 पे सेट करना रहता है। तो 12.5 पे सेट करने के लिए ये जो 0 वाला है इसको फिर से हम यूज़ करेंगे, और स्क्रीन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये इको है लेफ्ट साइड आएगा। कहाँ तक हमको लेना है? जहाँ 12.5 पे ये सेट हो तब तक। देखिएगा, मैं इसको लेफ्ट साइड लेता हूँ, फिर से हॉट की का यूज़ करता हूँ और 0 फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये देखिए धीरे धीरे स्क्रीन जो है आपका लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मुझे कब तक लेफ्ट साइड जाना है, जब आपका इको जो है वो 12.5 पे सेट होता है। ये देखिए ऑलमोस्ट आपका इको जो है वो 12.5 पे सेट हो रहा है। अभी एग्जैक्टली आपको पता ना चले तो क्या करना है, ये जो गेट है ये इको के ऊपर आएगा तो यहाँ पे भी आपको रीडिंग दिखाएगा। ये देखिए डेफ जो है आपका 12.6 मतलब ऑलमोस्ट 12.5 आजू बाजू दिखा रहा है। ठीक है, तो गेट जो है वो आपको एक्चुअल में ऐसे सेट करना है। देखिए मैं इसका थोड़ा लेंथ जो है वो कम कर देता हूँ और लेफ्ट साइड इसको ले लेता हूँ। ये आपका एग्जैक्ट गेट का पोजीशन है। तो पहला इको जो है उसके ऊपर आपने गेट ले जाना है, और यहाँ पे 12.5 आजू बाजू आपको रीडिंग मिलना चाहिए। तो ये आपका मशीन है वो कैलिब्रेट हो गया। अभी यहाँ पे ये जो स्विच है ये आपका एम्पलीट्यूड का स्विच है, इससे आप प्रेस करोगे मतलब ज़्यादा करोगे तो इको का साइज ज़्यादा होगा, अगर कम करोगे तो इको का साइज जो है वो कम होगा। ये आपका इको का हाइट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना है। दूसरी बात, अभी ये जो आपका गेट है ये दूसरे इको के ऊपर आप ले जाओगे तो यहाँ पे आपको 25 mm आसपास रीडिंग मिलेगा। देखिए मैं ये जो गेट है उसको दूसरे इको पे ले जाता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए ये देख सकते हैं एग्जैक्ट 25 mm आपको रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही आप तीसरे इको पे ले जाओगे तो 37.5 रीडिंग मिलेगा, चौथे इको पे ले जाओगे तो 50 mm रीडिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मशीन जो है उसको कैलिब्रेट करना है, बराबर। उसके बाद इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक मैं ऑप्शन बताना भूल गया, ये जो
यहाँ पे मेनू नंबर 5 जो है उसमें मोड जो है वो आपको ड्यूअल मोड रखना है, क्योंकि आपने ड्यूअल क्रिस्टल का ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर आप सिंगल क्रिस्टल का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको सिंगल रखना पड़ेगा ऐसे, पर अभी के लिए हम ड्यूअल क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं, ये मतलब कि TR प्रोब यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ये यहाँ पे आपको ड्यूअल रखना है। और यहाँ पे ड्यूअल रखेंगे, नीचे देखिए बैटरी का सिग्नल है, उसके ऊपर भी यहाँ पे ड्यूअल करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मशीन जो है कैलिब्रेट हो गया। अभी हम कोई भी जॉब के ऊपर एक्चुअल में प्रोब रखेंगे तो उसका थिकनेस जो है वो आपको पता चलेगा। वैसे ये थिकनेस मेजरमेंट का मशीन नहीं है, पर अप्रोक्सीमेट थिकनेस जो है वो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। देखिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है, तो ये जो ब्लॉक है इसका जो थिकनेस है ये मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर प्रोब रखूँगा तो इसका जो थिकनेस है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ये मैं इसके ऊपर कपलर लगा के प्रोब रखता हूँ, तो देखिए इको जो है मेरा यहाँ पे 50 mm आसपास पे मिल रहा है, बराबर। तो लास्ट में मिल रहा है, मैं थोड़ा इसका रेंज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इको जो है वो हमको क्लियर मिलेगा। ये मैं 100 mm का इसका रेंज लगा देता हूँ और इको का हाइट जो है वो बढ़ाता हूँ, मतलब कि dB जो है वो इंक्रीज करता हूँ। तो देखिए ये मुझे यहाँ पे इको मिल रहा है। ठीक है, तो पहला इको जो मिला इसके ऊपर आप गेट ले जाओगे तो आपको यहाँ पे उसका एग्जैक्ट थिकनेस जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे 49 आसपास आपको मिल रहा है, तो मतलब इसका जो थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट 50 mm आसपास है। उसके अलावा देखिए मेरे पास एक और ब्लॉक है, आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसका भी थिकनेस अगर आपको ढूंढना है, ये जो थिकनेस है ये कितना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं ऊपर की साइड कपलर लगा देता हूँ। ठीक है, रेंज थोड़ा मैं इसमें कम कर देता हूँ फिर से, और dB जो है वो डाउन कर देता हूँ। और पहला जो इको है उसके ऊपर मैं गेट ले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डेफ जो है इसका 19 mm मिल रहा है। ठीक है, तो इसका थिकनेस जो है हमारा 19 mm है। तो ये जो ब्लॉक है एक्चुअल में रेफरेंस ब्लॉक है, बराबर, इसको साइड ड्रिल हॉल वाला ब्लॉक भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे साइड में ड्रिल है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में SDH ब्लॉक बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम एंगल बीम जो प्रोब यूज़ करते हैं उसमें हम DAC प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हॉल दिख रहा है एक्चुअल में ये आर्टिफिशियल डिसकंटिन्यूटी है। तो इसका डेफ मुझे सपोज ऊपर से ढूंढना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर प्रोब रखूँगा तो यहाँ से वेव है, यहाँ से रिफ्ले होके वापस आएंगे, तो इसका डेफ है मुझे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कपलांट लगाता हूँ और फिर से इसका डेफ जो है वो मैं ढूंढता हूँ, देखिएगा। ये इसमें dB जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये जो आपका इको जो है लास्ट वाला, ठीक है, ये आपका 19 mm का है, मतलब कि आपका बैक वॉल इको है, ये थिकनेस का इको है जो हमने पहले देखा। अभी मैं इसके आगे वाला हॉल जो है उसका इको पकड़ने की ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला जो इको आया, बराबर, ये जो बैक वॉल इको है उससे पहले वाला ये जो इको, ये आपका हॉल का इको है। तो इसके ऊपर मैं गेट ले जाऊंगा, देखिएगा मैं इसके ऊपर गेट ले जाता हूँ। ठीक है, और मैं इसका dB जो है वो इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 12.6 mm आसपास इसका डेफ मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल डिसकंटिन्यूटी है, बराबर, तो इसका डेफ भी ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 19 mm का SDH ब्लॉक है। वैसे ही मेरे पास एक 38 mm का भी ब्लॉक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए, ये जो हमारा ब्लॉक है बराबर, ये इसका एक्चुअल थिकनेस 38 या 40 mm है एग्जैक्टली, मुझे आइडिया नहीं है, अभी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका थिकनेस हमको कैसे कितना मिलता है। और ये यहाँ पे साइड ड्रिल होल है, ठीक है, तो इसका भी डेप्थ हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका थिकनेस आपको बता देता हूँ, देखिएगा, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये थोड़ा हैवी ब्लॉक है, यहाँ पे मैं कपलर लगा देता हूँ और ये देखिए इसका थिकनेस का जो इको है मुझे यहाँ पे मिलता है। और मैं इसके ऊपर गेट ले जाता हूँ तो आपको एग्जैक्ट इसका डेफ सॉरी थिकनेस जो है वो मिल जाएगा। देखिए इसका थिकनेस जो है वो 40.2 मतलब कि 40 mm का इसका थिकनेस है बराबर। और जैसे मैंने बताया इसमें ये हॉल जो है वो हॉल का डेफ भी हम देख लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे ये जो हॉल है ये पहले देखते हैं उसके बाद ये हॉल देखेंगे। तो देखिएगा ये मैं कपलर लगा देता हूँ, अभी ये आप देख सकते हैं ये जो इको है हमारा ये 40 mm वाला ये हमारा इको है। और इसके आगे वाला मतलब ये जो इको है ये आपका हॉल का इको है, ठीक है। तो ये मैं इसको पहले थोड़ा साइज इसका हॉल का इको है उसका साइज बड़ा कर देता हूँ, देखिएगा, और अभी इसमें डीबी इंक्रीज कर देता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने गेट ले लिया है, तो देखिए यहाँ पे आपको डेप्थ दिख रहा है 27.8, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा जो हॉल है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये दूसरा जो हॉल जो सेंटर वाला जो हॉल है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं गेट ले जाता हूँ, देखिए उसका भी डेप्थ आपको मिल जाएगा बराबर। ये आपका लगभग लगभग 18.6 mm आसपास मिलता है, यहाँ पे भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके डिफेक्ट का यहाँ पे देखिए 18 mm आसपास आपको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो डिफेक्ट है उसका डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपका मटेरियल है बराबर, उसका वेलोसिटी जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ये वेलोसिटी वाला मटेरियल ही मतलब कि जो आपका एक्चुअल मटेरियल है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये मटेरियल का आप थिकनेस या कोई भी डिफेक्ट है उसका डेप्थ जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में समझ में आया होगा। उसके अलावा इसमें मैं आगे डिले जो फंक्शन है उसका भी अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये प्रैक्टिकल सीरीज आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।